श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसिष्ठनत्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वंदे शुकतादं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ञानं मतं मम। प्रसंग चल रहा था कि शास्त्र अनर्थक्य दोष, इसका परिहार भगवान शंकराचार्य जी ने किया है। तो वे आखिर में कहते हैं, ईश्वर क्षेत्रज्ञ एकत्वदर्शी ब्रह्मविद तावद न प्रवर्तते न यथा प्रसिद्धवत एव प्रवृत्ति निवृत्ति उपपत्ते है तथा नैरात्म्यवादी अपि न अस्ति परलोक इति न प्रवर्तते यथा प्रसिद्धतः तो विधि प्रतिषेध शास्त्र श्रवणात् अन्यथा अनुपपत्या अनुमित आत्मा अस्तित्वः आत्मविशेष अनभिज्ञः कर्मफल संजात तृष्णः श्रद्धाधानतया च प्रवर्तत इति सर्वेषां न प्रत्यक्षम् अतः न शास्त्र अनर्थक्यम्। तो एक है ईश्वर क्षेत्रज्ञ एकत्वदर्शी, जो क्षेत्रज्ञ और ईश्वर के बीच में एकता को जिसने अनुभव किया, ब्रह्मविद जिसको कहलाते हैं, वो तावत न प्रवर्तते, इस फिर प्रवृत्ति में विधि प्रतिषेध शास्त्र उनको प्रवृत्त नहीं कर सकता। और दूसरा है नैरात्म्यवादी, जो जिनको जो जिसने स्वीकार नहीं करता, परलोक स्वीकार नहीं करता, विद्या और मोक्ष विद्या को स्वीकार नहीं करता, तो आत्मा का अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं करता, शरीर ही आत्मा के रूप में ही स्वीकार करता है, तो नैरात्म्यवादी अपि न अस्ति परलोक इति न प्रवर्तते, परलोक नहीं है इसलिए वो भी विधि प्रतिषेध शास्त्र के अनुसार न प्रवर्तते, प्रवृत्त में वो शास्त्र उनको प्रवृत्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं है तो शास्त्र कैसे प्रवृत्त किया जाए। ठीक है, तो फिर शास्त्र अनर्थक के दोष ना नहीं होगा, क्योंकि तीसरे तरह के लोग हैं जो यथा प्रसिद्ध था वो सब जानते हैं, यथा प्रसिद्ध विधि प्रतिषेध शास्त्र श्रवणाद अन्यथा अनुपत्या। हाँ, विधि प्रतिषेध शास्त्र को जाना और इसके अलावा अन्यथा अनुपत्या,
माने इन सभी को शास्त्र को ये शास्त्र समझाता है, शास्त्र है माने इसका इसकी उपयोगिता भी होना चाहिए, तो नहीं तो ये सब निरुपयोगिता ही हो जाएगी। और अनुमित आत्मा अस्तित्व, अनुमान लगाकर आत्मा है और पुनर्जन्म भी है, परलोक भी है, कर्म गति भी है, ऐसा सभी को स्वीकार करते हैं। आत्म विशेष अनभिज्ञ, मगर उनको विशेष रूप से आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, अनभिज्ञ। कर्मफल संजात तृष्णा, कर्मफल के प्रति तृष्णा, श्रद्धादानतया च प्रवर्तते, वे तो शास्त्र विधि को बड़ी श्रद्धा से अपनाते हुए जीवन व्यवहार करते हैं, क्योंकि कर्मफल संजात तृष्णा, तो इसलिए श्रद्धादानतया च प्रवर्तते इति सर्वेषां न प्रत्यक्षम। ये बात हम सब दुनिया में देखते हैं, हम सवार सब सबके लिए प्रत्यक्ष है, अतः न शास्त्र अनर्थक्यम, इसलिए शास्त्र अनर्थक के दोष कभी होता नहीं, क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी हमेशा के लिए शास्त्र को अनुकरण करने वाले होते हैं, इस तरह के लोग होते हैं। तो अभी यहाँ तक हमने देखा है। इस बात को सुनने के बाद पूर्व पक्षी दूसरा प्रश्न उठाता है, विवेकिनाम अप्रवृत्त दर्शनात् तद अनुगामिनाम अप्रवृत्तौ शास्त्र अनर्थक्यम इति चेत, 308 पेज। विवेकिनाम अप्रवृत्ति दर्शनात् तद अनुगामिनाम अप्रवृत्तौ शास्त्र अनर्थक्यम इति चेत, ये प्रश्न है पूर्व पक्षी का। अब ये कहते हैं, देखिए दुनिया में कई लोग हैं और वे लोग विवेकिनाम अप्रवृत्त दर्शना, ज्ञानियों को विवेकियों को वे अप्रवृत्त देखते हुए, अप्रवृत्त माने शास्त्र विधि के अनुसार प्रवृत्त नहीं करते, माने व्यवहार नहीं करते, शास्त्र उनको प्रवृत्त नहीं कर सकता, वे लोग ये प्रवृत्त नहीं हुए शास्त्र विधि विधान के अनुसार जीते नहीं, विवेकी लोग ज्ञानी लोग इनको देखकर, इनको देखकर विवेकिनाम अप्रवृत्त दर्शनात् तद अनुगामिनाम, और उनके जो फॉलोअर्स होते हैं, अनुगामी लोग होते हैं, जिनके उन लोगों को समझो ऐसा समझो चेले हैं, शिष्य हैं, या कुछ उनको देखकर कि लोग कुड़ा कुछ स्फूर्ति को अंतकरण में लाने वाले कुछ लोग होंगे, तो अनुगामी लोग उनको जो फॉलो करने वाले अनुयायी लोग अनुकरण करने वाले देख करके वे भी अप्रवृत्त हो जाएंगे शास्त्र में, क्योंकि हमारे गुरु तो करते नहीं, हाँ ये विवेकी विज्ञान है, वे तो हमेशा कोई पूजा पाठ शास्त्र या विधि निषेध सबसे दूर हो गया, तो हम भी गुरु के अनुकरण करेंगे, ऐसा सोचकर ठीक है वे भी अप्रवृत्तौ तद अनुगामिनाम अप्रवृत्तौ, तब क्या होगा, शास्त्र अनर्थक दोष आ गया। मतलब क्या है, दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं समझो, एक विवेकी लोग और अज्ञानी लोग। विवेक जिसमें विवेक उत्पन्न हुआ वे लोग शास्त्र से पार हो गए, माने शास्त्र उनको प्रवृत्त नहीं कर सकता, ठीक है, तो उनके अनुयायी लोग हैं, अनुगामी लोग हैं। दूसरे तरह से अज्ञानी लोग हैं, और अज्ञानी लोग माने जो लोग आत्मा को या परलोक को स्वीकार नहीं करते उनको भी शास्त्र प्रवृत्त नहीं कर सकता, माने दोनों तरह से शास्त्र फिर अनर्थक के दोष हो गया, ऐसा ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। वास्तव में स्थिति क्या है, अंग्रेजी में बोलते ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी अलग है, क्या वो भगवान समझा रहे हैं ये प्रश्न को लेकर के, शास्त्र अनर्थक मिति छेद, शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा ऐसे कहने से, तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं, न कस्यचित एव विवेक उपत्ते है, भैया विवेक किसी को वो भी होता है, माने सबके लिए नहीं होती है, किसी एक व्यक्ति को, मनुष्याणाम शास्त्रस्य कश्चित् जतति सिद्धये, भैया विवेक सबको नहीं होता आचार्य, कस्यचित एव विवेक उपत्ते है, किसी एक को होता है विवेक, अनेक हजार करोड़ों में विवेक किसी एक को होता है। तो ये प्रश्न अनर्थ है, क्योंकि लोग पूछते हैं
देखिए सब लोग सन्यासी बन गए तो कैसा, सब लोग बनते नहीं, सब लोग कर्म को त्याग दिया तो कैसे, भले सब लोग ये संभव नहीं है कभी भी, तो ये प्रश्न निरर्थक है। देखिए सब लोग आत्मज्ञानी हो गया तो दुनिया का क्या होगा, आचार्य शंकराचार्य का दुनिया से क्या मतलब है आपको, सभी लोग आत्मज्ञानी हो गए तो हो गए बात, दुकान बंद कर दो। तो वास्तव में ये कभी संभव नहीं है, मगर ये प्रश्न उठाया तो कस्यचित ये वो विवेक उपपत्ते है, किसी एक को ही विवेक होता है, सबको विवेक नहीं होता है। और अनेकेशु ही प्राणिषु, अनेक हजार करोड़ कई लोग प्राणी लोगों में कश्चित एव विवेकी स्यात्, कोई एक विवेकी होता है, सब विवेकी नहीं होते, कोई एक को विवेक प्राप्त होता है। तो यथा इदानीम, जैसे अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं, शायद शंकराचार्य जी या सामने बैठा व्यक्ति को ही दिखा रहे हैं, यथा इदानीम जैसे आजकल तुम देख रहे हो किसको, तो अपने आप को देखो, तुम विवेकी है तो ठीक है। जैसे आजकल के जमाने में माने यथा इदानी, अभी देखो वर्तमान में देखो कई लोग हैं, सभी लोग क्या, ये तुम दो विभाग मन में करके बात कर रहे हो कि एक विवेकी लोग और उनके अनुगामी लोग, अज्ञानी और अज्ञानी के अनुगामी लोग, माने सभी अज्ञानी लोग हैं, बस तीसरे तरह का कोई है ही नहीं होता, तो शास्त्र निरर्थक हो जाएगा, ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि विवेक करोड़ों में एक को होता है, सबको नहीं होता है। जैसे रमण महर्षि है, जैसे तपोवन महाराज है, जैसे हमारा गुरुदेव है, माने ऐसे विवेक होना आसान नहीं है। तो कश्चित देव विवेकी स्यात् यथा इदानीं, और भगवान कहते हैं न च विवेकिनम अनुवर्तन्ते मूढ़ाहा, ठीक है, मूर्ख लोग विवेकी को कभी फॉलो या अनुसरण नहीं करते, मूर्ख लोग मूढ़ाहा। तो तुम सोच रहे हो कि एक विवेकी पुरुष हो गया उनके बाद सब मानते हैं क्या, नहीं मानते हैं, वे कुछ कुछ और कुछ कहते हैं, मानते नहीं। देखिए एक जो विवेकी ज्ञानी है वो ज्ञानी और एक अपने ही चेले को देखकर किसी दुख में पड़ गया वो कुछ रो मत, रोना बंद कर देता है क्या, करता नहीं, क्योंकि विवेकी लोग ज्ञानी लोग उनका अनुकरण करना, उनका अनुसरण करना, अनुकरण नहीं अनुसरण करना बड़ा कठिन है, इतना आसान नहीं है। तो यहां पे बताया जा रहा है मूर्ख लोग ज्ञानी लोगों का अनुसरण कभी नहीं करते। देखिए नच विवेकिनम अनुवर्तन्ते, कौन मूढ़ाहा, वो तो बताते रहते हैं मगर उनका अनुसरण करना ये कभी संभव नहीं है, मूर्ख लोग उनको अनुकरण नहीं करते। क्यों, राग आदि दोष तंत्रत्वात् प्रवृत्ते है, उनकी प्रवृत्ति किसमें है, राग द्वेष इत्यादि दोषों से भरे है उनके अंतःकरण। तो देखो स्वभाव है, स्वभाव ही हम को प्रवृत्त करता है, आगे कहेंगे अभी दूसरा तीसरा वाक्य में, क्योंकि ये केवल एक विज्ञानी एक महात्मा कुछ बता दिया, उस बात को स्वीकार करके तुरंत स्वीकार करके उसका अनुसरण या जीवन में उतार दिया जाए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आदमी स्वतः स्वभाव से ही प्रवृत्त होते हैं, ये आगे कहेंगे। तो भगवान कहते हैं रागादि दोष तंत्रत्वात् प्रवृत्ते है, उनकी प्रवृत्ति रागादि दोषों से ही होता है, माने ये राग और द्वेष के अधीन हुए है और राग द्वेष उनको आज्ञा देते हैं, राग द्वेष उनको प्रवृत्त करते हैं, ये दोनों मिलकर किसको, मूर्ख को। तो मूर्ख को प्रवृत्त करने वाला अपना ही राग और द्वेष है, महात्माओं का वचन नहीं है। महात्मा लोग कुछ कुछ बोलते रहते हम सब कर नहीं पाते हैं,
और अभिचरणादौ च प्रवृत्ति दर्शनात्, उनकी प्रवृत्ति किसमें देखा जा सकता, उनकी प्रवृत्ति देखी जा सकती है अभिचरणादौ। अभिचरण माने ब्लैक मैजिक, अंग्रेजी का उसका अनुवाद क्या है, ब्लैक मैजिक ही भाई। अभिचार माने ब्लैक मैजिक, माने क्या है उसका थोड़ा ब्लैक मैजिक, माने उतना दूर भी नहीं जाए पहुंचे तो आप क्या करेंगे, अभिचरण आदो से प्रवृत्ति दर्शनार्थ। उनके सारे जीवन, मूर्खों का जीवन चर्या और प्रतिचर्या इसमें लगे रहते हैं, कुछ करते हैं और उनके प्रति किसी ने कुछ किया तो उनको कैसा बदला लें। गृहस्थ जीवन इसी में चक्कर पड़ गए, किससे बदला कैसे ले जाए, क्यों लिया जाए, माने इसने हमको धोखा दिया तो सारा जीवन मैं किसी करके दिखाऊंगा। ये बदला से ही हम व्यवहार करते हैं, माने प्रतिचर्यात्मक व्यवहार बोलते हैं उसको। जरा आप सावधान से सोचिएगा, आप जो भी कदम उठाते हैं आप स्वयं अंतःकरण में कुछ आप प्रवृत्त हुए होकर उठाते हैं वो बहुत कम है, 99% साधारण रूप से देखा जाए तो दुनिया ही प्रवृत्त कराता है। माने प्रतिचर्यात्मक व्यवहार, किसी को कुछ चीज मिली तो हमें क्यों नहीं मिलती, इसलिए हम भी प्रवृत्त होते हैं। माने सारा जीवन धोखा देना है, बदला चुकाना, इसी चक्कर में पड़ गए व्यवहार, और न तो नुकसान करने का प्रयास करना, उनके लिए सारा ये दुश्मन बन गया तो दुश्मन का नाश करने के लिए जो भी संकल्प करके बैठना, धोखा देना, कपटी बनकर व्यवहार करना, ये सारे चीज आप लगभग लगा सकते हैं अभिचार प्रवृत्तौ, अभिचारणादौ च प्रवृत्ति दर्शनात्। देखिए स्वभावात् स्वभाव्यात च प्रवृत्ते है, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति कैसे है, बस उनकी प्रवृत्ति क्या, प्रकृति उन्हीं को प्रवृत्ति कराती है, उनकी प्रकृति ही प्रवृत्ति कराती है। स्वभाव्यात च प्रवृत्ते है, स्वभावस्तु प्रवर्तते इति ही उत्तम। पांचवा अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कह दिया स्वभावस्तु प्रवर्तते, क्योंकि सभी प्राणी उसका उनका बर्ताव कैसा है स्वभाव से ही सिद्ध होता है, जैसा जैसी प्रकृति वैसे ही आचार विचार व्यवहार सोच सब कुछ। और स्वभाव जीव, सभी जीव अपने स्वभाव के स्वभाव से बद्ध है, स्वभाव से बद्ध हुए। स्वभावस्तु प्रवर्तते, निग्रह किम करिष्यति, भगवान केवल निग्रह बलपूर्वक निग्रह क्या करेगा, ज्ञान से विवेक करके जीतने का प्रयास किया तो संभव है शायद तुम जीत लोगे, बल प्रयोग करके कुछ करूंगा ये संभव नहीं है। अभी तक बल प्रदर्शन के द्वारा कोई भी व्यक्ति सृष्टि में अभी तक, जब से अनादि से अभी तक बल के द्वारा अपना अपने स्वभाव के ऊपर या प्रकृति के ऊपर नियम या नियंत्रण लाया हो ऐसी बात कभी नहीं हुई, आगे भी नहीं होगा, अभी भी नहीं होता है, कभी नहीं होता, बल से नहीं होता, विवेक से जीत सकते हो। मैं यदि हमारी विवेक स्वभाव का वेग से भी उत्कृष्ट विवेक हो, तेज हो, उसमें बल हो, तभी जीत पाएंगे। प्रकृति का बल यदि ज्यादा है, वासना का जोर ज्यादा है विवेक से भी, तो विवेक ही हार जाता है, प्रकृति जीतती है। तो स्वभाव या तौर से प्रवर्त है, स्वभावस्तु प्रवर्तते इति ही उक्तम। तो अभी ये कभी संभव नहीं है, विवेकी के अनुगामी लोग जो होते हैं वो शास्त्र छोड़ देते हैं, इन ऐसे विवेकी लोगों को देख करके ये संभव नहीं है, क्योंकि सभी लोग, हर व्यक्ति अपना ही
स्वभाव से ही बद्ध है। अच्छा, तस्मात, आप देखिए कह रहे हैं तस्मात, इसीलिए फिर क्या हुआ, अविद्या मात्रम संसार। बस आपसे और आगे आगे थोड़ा गंभीर विषय पर और भी गंभीर हो जाएगा। मैं ज्यादा आपको कंफ्यूज करना नहीं चाहता, इसलिए कुछ कुछ चीजें मैं छिपा के बैठता हूं, तो घबरा जाएगा आपको। तो अब देखिए, तस्मात अविद्या मात्रम संसार, तो फिर कहने का क्या अभिप्राय है, आप क्या कहना चाहते हैं? संसार जो है अविद्या मात्रम, बस यही है। अविद्या के कारण ही संसार, और संसार जो अविद्या मात्रम। अबे यथा दृष्ट विषय एव, ये है एक बड़ी बात, यथा दृष्ट विषय एव, माने जैसे क्या, माने इसका मतलब क्या है, अज्ञान दिशा दशा में जैसा दिखता है वैसा ही है संसार है, माने जैसे आपको दिखता है तो वही है, तो वैसा ही मानना पड़ेगा आपको ये संसार, क्योंकि यथा दृष्ट विषय, माने ये संसार, एक महात्मा जी बैठे हैं तो किसी जाके प्रश्न पूछा कि महात्मा जी बताइए ये जगत जो है सच है या मिथ्या है, क्योंकि जवाब देने पर महात्मा जी फंस जाएगा। सच है कहने से शास्त्र विरुद्ध है, मिथ्या है तो दिखता है, आप भी है इसमें, व्यवहार तो क्यों हो रहा है, ऐसा कुछ कुछ उल्टा सीधा प्रश्न करने का संभव है। तो महात्मा जी का उत्तर सुनिए, उन्हें कहा कि ये जगत सच है या झूठ है। महात्मा जी ने फिर प्रश्न पूछा, किसको? जवाब हो गए, किसके लिए सच है, किसके बारे में बात कर रहे हो बताओ, तब मैं बताऊं जगत सच है कि अमित झूठ है। अज्ञानी के लिए प्रश्न पूछ रहे हो तो अज्ञानी से पूछो, अज्ञानी के लिए सच होगा, सच है क्योंकि शास्त्र, ज्ञानी की दृष्टि से सच है, जगत है ही नहीं, तो जो प्रश्नकर्ता जो थे नमस्कार करके चला गया। तो अविद्या दृष्ट विषय, ये संसार क्या है, यथा दृष्ट विषय, मैंने अविद्या नहीं, यथा दृष्ट विषय, जैसा दिखता है, जिस अवस्था में आप देख रहे हैं आपको वैसा दिखता है संसार, ये अविद्या के कारण। जैसे तस्माद अविद्या मात्रम संसार यथा दृष्ट विषय, ये पर देखिए, इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन ऑफ द इग्नोरेंट वन, दृष्ट विषय ये। तो देयरफॉर भगवान कह रहे हैं, न क्षेत्रज्ञस्य केवलस्य अविद्या तत्कार्यं च, केवलस्य क्षेत्रज्ञस्य अविद्या, न अविद्या तत्कार्यं च, केवल क्षेत्रज्ञ को के लिए न अविद्या है उसका कार्य है। शुद्ध क्षेत्रज्ञ में न कोई अविद्या है, अविद्या का कार्य माने सारी सृष्टि। इसे भगवान रमण महर्षि बार बार कहते थे, कोई कई लोग के पूछते थे, आप आत्मज्ञान करके बैठे हैं, सारी दुनिया जल रही है, आप कुछ कीजिए, आत्मज्ञान के कारण क्या होता है, आत्मज्ञानी हम लोक सेवा करना चाहते हैं, बहुत सारे कुछ चीज हो रहे हैं अंदर इस दुनिया में, कली प्रभाव है, दुख है, शोक है,
आप पहाड़ के नीचे बैठकर आत्मज्ञान बता रहे हो, जानो अपने अपने आप को। तो फिर भगवान उन्होंने उत्तर दिया, पहले अपने आप को जानो, इसके बाद यदि दुनिया दिखती है तो सेवा करो। और कई बार बताया कि सेवा करना एक कर्म नहीं होते। भगवान रामवर्ष स्पष्ट किया कई बार कि जैसा आत्मज्ञानी के द्वारा इस जगत का भलाई होती है, होता है भलाई, वैसा कोई व्यक्ति काम या सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि आत्मज्ञान, एक आत्मज्ञानी हुए इस दुनिया में अपने आप को जाना, उनके द्वारा बहुत सेवा होती है। वे आप उनकी सेवा आप जान नहीं सकते करके बताया। हमको लगता है कई बार चिन्ना मिशन के पास भी लोग आकर पूछते हैं, आप कोई सेवा कर सक करते क्या, आप कोई सोशल प्रोजेक्ट सही क्या। माने यहाँ पे इतनी सारा ज्ञान बहाते हैं गुरुदेव की कृपा से, ज्ञान की धारा बह रही है और इतने इतने पढ़ाई सब कुछ समझाया जा रहा है लोगों को, ये सेवा के रूप में स्वीकार नहीं करते। कोई लोग बोलते आप सेवा नहीं करते, ये सेवा नहीं है। तो सेवा माने पत्थर उठाओ और किसी सिर पर रखो, ये सेवा नहीं है। ये तो ये एक तरह की सेवा है, ये ज्ञान का बांटना ये भी सेवा है। नहीं, लोगों की दृष्टि से ज्ञान का बांटना सेवा का अंदर नहीं आता, काम धंधा नहीं है। कुछ लोग बैठ के प्रवचन सुनते रहते हैं और एक मूर्ख है वो बोलते रहता है, ये सेवा नहीं है, क्योंकि उन अज्ञान के कारण है। तो एक व्यक्ति में परिवर्तन हुआ तो सारी उनकी सारी जगत जो है आस चारों और वो जगत में परिवर्तन आ जाता है। आत्मज्ञानी हो तो कुछ करे बिना ही परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसलिए ये मिथ्या विषय तो क्षेत्रज्ञ में, केवलस्य क्षेत्रज्ञ में, केवल क्षेत्रज्ञ में न अविद्या है न अविद्या का कार्य है। तो न च मिथ्या ज्ञानम परमार्थ वस्तु दूषयितुम समर्थम। जो मिथ्या ज्ञान जो है, मिथ्या ज्ञान परमार्थ वस्तु को दूषित कभी नहीं कर सकता, वास्तविकता को दूषित नहीं कर सकता। मिथ्या ज्ञान आरोपित किया गया जो भी है विषय, उस आरोप किया गया वस्तु उस अपना अधिष्ठान को दूषित कभी नहीं कर सकता। जैसे कि नहीं ऊषर देशम स्नेहेन पंकीकृतम शक्नोति मरीची उदकम। मैंने अविद्या अविद्या का कार्य क्षेत्रज्ञ को लेश मात्र भी दूषित नहीं कर सकता या कर सकते दोनों। उदाहरण क्या है, ऊषर देशम, जैसे मरुमरीचिका है, ये मरुमरीचिका हाँ, फिर मरुस्थल जो भी है अपने स्नेह से माने संपर्क से गीला नहीं कर सकता, मरुभूमि को गीला नहीं कर सकता। मरुमरीचिका मरुभूमि को मरुस्थल को अपने स्नेह से गीला नहीं कर सकता। पंकी कर्तु माने स्नेह कीचड़ बनाना या नहीं तो गीला करना, शक्नोति मरीची उदकम, मरीची उदकम माने मरुमरीची उदकम, जो उदकम वो है वास्तव में है ही नहीं, तो वो उदक मरुभूमि को गीला नहीं कर सकता। इसी तरह अविद्या और अविद्या का कार्य क्षेत्र को किसी भी प्रकार से बिगाड़ नहीं सकता, वे तो अस्पर्श है। तो क्षेत्रज्ञ हमेशा अलग है। तो अतः च इदम उक्तम क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। इसलिए भगवान स्पष्ट कह दिया मैं क्षेत्रज्ञ हूं। माने अविद्या और अविद्या कार्य, जैसे आकाश को कोई भी वस्तु, आकाश में हुआ वस्तु जो है वो वस्तु आकाश को क्या कहें कर सकता, लिप्त नहीं हो सकता, माने आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता।
आकाश को मलिन नहीं कर सकता कोई भी वस्तु। तो आकाश में ये सब स्थित है, मगर आकाश की दृष्टि से वे है या नहीं, आकाश में कोई परिवर्तन नहीं है, आकाश मलिन कभी नहीं होता। इसी तरह क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञम चापि, तो वह क्षेत्रज्ञ मैं हूं। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, फिर पांचवा अध्याय, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। जंतव माने सारे जंतु प्राणी लोग। अज्ञानेन आवृत, ज्ञान अज्ञान से आवृत हुआ और उस अज्ञान के कारण वे मोहित हो गए, अज्ञान के कारण। हम प्रश्न पूछते हैं, आप ऐसा प्रश्न ये बता दिया कि अभी इसका मतलब क्या है, क्षेत्रज्ञ अविद्या और अविद्या कार्य से निर्लिप्त है, अस्पर्श है। अथ पूर्व पक्षी पूछ रहे, अथ किम इदम संसारिणाम अहम एवं मम एव इदम इति पंडितानम अपि। हाँ देखिए, पंडित लोग भी ये बार बार ये कहते हैं, इस बुद्धि में माने इस बुद्धि से वे कहते हैं आत्मा में क्या है, अहमता ममता की बुद्धि रखते हैं, अहम इदम अहम एवं मैं ये हूँ, यह हूँ मैं, और मम एव इदम ये सब मेरा है। इति पंडितानाम अपि, पंडित लोग माने शास्त्र पढ़ चुके हैं। अथ किम इदम संसारिणाम इव, जैसे संसारी लोग अहम बुद्धि मम बुद्धि ममत्व बुद्धि अहम रखते हैं, अहम बुद्धि रखते हैं, इसी तरह इस बुद्धि से ही आत्मा में माने अहमता ममता से ये सिद्ध हो जाते हैं, ये बुद्धि अपने में रखते हैं। कौन? पंडित लोग भी ऐसे व्यवहार करते हैं, अहमत्वा अहम बुद्धि को मम बुद्धि को छोड़ते नहीं। पंडित लोग भी ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? फिर पंडित मैंने पूर्व पक्ष देखा होगा, कई पंडित लोग हैं, बहुत बड़े लिखे हैं, शास्त्रज्ञ हैं, वाद बहुत वाद करते हैं। आप देख सकते हैं, आप दुनिया में देख सकते हैं अहंकार पूर्वक व्यवहार करना। कौन? ये पंडित लोग। पंडित लोग माने आपके घर में जो आने वाले पंडित नहीं, अभी उद्दंड पंडित महामहा शास्त्रज्ञ लोगों को भी देखो, आप देखो कभी कभी उनमें दिखता है, माने वो लोग ऐसे भी व्यवहार करते हैं, कई लोग हैं ऐसे पंडित लोग। इसलिए कहा गया पांडित्यम दोष दर्शनम, हमारा पांडित्य किस काम का है, हम के हैं दूसरों में दोष दर्शन, दूसरों में दोष देखने के लिए हमारा पांडित्य काम आता है, पांडित्यम दोष दर्शनम। ठीक है, ये पांडित्यम दोष दर्शनम पंडित के लिए नहीं, हम सब पंडित तो है ही नहीं, मगर तो भी जिसमें हमारा पांडित्य है उस क्षेत्र में हम इस बुद्धि से लेकर व्यवहार करते हैं। अच्छा, आप पहले नमक डाल देते हो, मैं तो ऐसा नहीं करती हूं, ये क्या है दोष दर्शन। अच्छा, चोंक लगाने के बाद ही साथ में ला देते हो, मैं तो ऐसा नहीं कर, चोंक बाद में लगाती हूं, ये क्या दोष दर्शन हुआ कि नहीं? चुपचाप बैठ के जो खिलाया जा रहा है खाओ और चले जाओ मुंह बंद करके। ये व्यवहार क्या है, जरूरी है क्या ऐसा व्यवहार? पूछा क्या तुमसे, पहले चोंक डाल के बनाने के बाद चोंक डालो, पहले लगा के पागल, किसने पूछा आपसे? मैं तो ऐसा नहीं करती, ये क्या है? ये भी कुजली है, पांडित्य की कुजली।
जहां जरूरी नहीं, अपना पांड दिखाते रहते। भगवान डांटते हैं आगे, उससे सभी लोग उसे पंडित जैसे व्यवहार करते, ज्ञानी जैसे बात करते हैं सभी लोग दुनिया में, सब लोग। आत्मज्ञानी लोग अलग है, बाकी सब जैसे कि मेरे अलावा और कोई नहीं है इस क्षेत्र में। मेरे अनुभव है भाड़ में जाओ, तेरा अनुभव क्या है, तेरा उम्र क्या है, ये है। भगवान आगे आगे डांटेंगे। तो पंडित लोग, पंडित माने आप पंडितों के आक्षेप मत करना, हमारा भी व्यवहार ऐसा ही है। जब जब मौका मिलता है डांटता हूं, तभी तूने तो फिर तेरे बाद जब मौका डांटने का मौका ज्यादा नहीं मिला मुझे, कभी कभी मौका मिलता है तो फिर देख, मैं देखता हूं ऐसे व्यवहार। माने उस विषय को आप इतना महत्व देते हैं, ये लौकिक विषय को इतना महत्व देकर अपने पांडित्य की बुद्धि, पांडित्य बुद्धि दिखाना। आपको बात समझ में आ गई कि नहीं? आत्मावलोकन कीजिए। आत्मावलोकन माने समझ आते हैं, आत्मावलोकनम माने क्या है? हाँ जी, नहीं नहीं आत्मावलोकनम माने इंट्रोस्पेक्ट करो। आत्मा यहाँ पे शुद्ध आत्मा नहीं है, यहाँ पे अंतकरण है। आत्मावलोकन माने अपने आप के ऊपर नजर डालकर देखो क्या हो रहा है अंदर। आत्मावलोकन देखिए, उस शुद्ध आत्मा को अवलोकन नहीं कर सकते। तो इसीलिए अथ किम इदम संसारिणाम इवाहमेव मम एव इदम इति पंडितानाम अपि, भगवान के श्रुणो इदम तत् पांडित्यम। गुस्सा है कि नहीं? जरा सुन लो, उन पांडित्य के बारे में समझाता हूं आपको। पांडित्यम यत् क्षेत्रे एव आत्मदर्शनम। ओह अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बता तो चुके हैं फिर भी इस संदर्भ में ऐसा प्रयोग आप जरा सोचने से मजा आएगा आपको। क्षेत्र एव क्या कहते हैं? क्षेत्र एव आत्मदर्शनम, वे अपने आप को क्षेत्र में ही अपने आप को देखते हैं। एक क्षेत्र में अपने आप को देखकर अपना पांडित्य, अपना वैभव, अपना प्रभाव, अपना अनुभव, अपनी कीर्ति, कीर्ति का जो बैंड बजाते रहते अपने को, डिंडिमा कीर्ति डिंडिमा, क्योंकि ये क्षेत्र में ही हूं, इसमें ये इस क्षेत्र में मैं कितनी इतनी किताब लिखा हूं, इतने सारे मैं व्यवहार, मेरे पास इतने छेले हैं, मैं मेरे इतना बैंक बैलेंस हो गया है, मेरे आश्रम इतने बन गए हैं, और मैं अभी तक इतने किताब लिख चुकी हूं, अभी आगे ये लिखने वाला हूं, मेरे इतने पुरस्कार हुए। ये सब क्या है? क्षेत्र में आत्मदर्शनम। अब मरने के बाद मेरी तस्वीर परिवार लोग रखेंगे कि नहीं, इस संशय में पढ़कर अपने तस्वीर खींचकर सबको देने लगे पहले ही, मरने से पहले, ये तुम रख, ये तुम रख, ये तुम रख। बड़ी मोह है, तो बड़ा मोह है। दादी माँ ये क्या करना, टांग के रखना, देखते रहना मुझे, मैं जाने वाली हूं कुछ दिनों में, ये मेरे बेंट है।
कोई अर्थ है क्या इसमें? किस रूप में आप तस्वीर के रूप में दीवार पर टांग कर शाश्वत होना चाहते? शाश्वत कीर्ति बड़ा मोह है। ये ऐसे व्यवहार क्या है? क्षेत्र में ममत्व बुद्धि, आत्मदर्शनम। और भी सोच लीजिए, और भी इसमें इसका विस्तार कर सकते हैं अनेक प्रकार के उदाहरणों के द्वारा। ये पांडित्य है। सो श्रुणु इदम तत् पांडित्यम, उनके पांडित्य के बारे में बस अभी सुन लो क्या है। क्षेत्र एव आत्मदर्शनम, क्षेत्र एव, क्षेत्र में ही अपने आप को देखते हैं। देखिए मूर्ख है दुनिया पूरा। कोई आपकी तस्वीर अखबार में आया समझो कि कुछ उन्होंने एक फंक्शन में आपका भी तस्वीर आ गया, तो आपका उस अखबार को लेकर आप काट कर कहीं चिपक कर रखते हैं, सेव करते हैं। एक्चुअल स्पीकिंग किसको रुचि है इसमें देखने की? और 10 साल के बाद भी ये पुराना अखबार निकाल कर दिखाते हैं, सन 2005 में मेरी तस्वीर छपी हुई है इसमें, देखो छपी है, देखो इस अखबार में देखा। Who is interested? ये सब क्या है? क्षेत्र क्षेत्रे एव आत्मदर्शनम। मैं शरीर हूँ, मन बुद्धि हूँ, ये जनजा सच है, मेरा नाम शाश्वत हो जाएगा। सभी भाई सब लोग अपने अपने जीवन परेशान हैं। अब तुम्हारी याद देखिए, इस सुनने के बाद आप जब घर जाओगे, मैं 24 घंटे गुरुदेव की याद या मेरी याद आते हो क्या? वो नहीं आती है, आना भी नहीं चाहिए, भूल जाएंगे। अब मेरे यहाँ से मैं चला जाऊंगा कहीं दूसरे जगह पे, फिर क्या क्या एक एक दिन दो दिन तीन, फिर बाद में स्मृति बिगड़ जाएगी। क्या सच है? क्या किसको पकड़ कर लटकना है? वैराग्य क्यों नहीं होता? जब तक वैराग्य नहीं होता तब तक अनात्मा में आत्म दृष्टि बंद या खत्म नहीं होता। तो श्रुणु इदं तत् पांडित्यं यत् क्षेत्रे एव आत्मदर्शनम् यदि पुनः क्षेत्रज्ञं अविक्रियं पश्येयुः ततः न भोगं कर्म वा आकेंक्षेयुः मम स्यात् इति। देखिए यदि आप अविक्रय क्षेत्रज्ञ को देख लिया, पहचान लिया, अनुभव किया, पश्येयुः ततः तन्नो भोगम कर्म आकांक्षेयुः मम स्यात्, ये मेरी भोग है, ये मेरा कर्म है, ऐसे कभी आकांक्षा नहीं रखते। ये मेरी भोग है, ये मेरा कर्म है, आप तो सुन लिया। घर की कहानी बताता हूं, मेरे घर की नहीं, घर घर की कहानी। अब घर घर में कुछ ना कुछ विधि को अपनाते हैं, कुछ ना कुछ। हमारे घर में ऐसे ही करते हैं, दक्षिण में जाओगे कोई मर गया तो चौथा नहीं करेगा। ये चौथा क्या है? चौथा शास्त्र के दृष्टि से 11वां दिन करना है, उसमें भी अलग अलग लोग प्रांत अपने 15 दिन करते हैं, 15वां दिन है, 16वां दिन करते हैं, संजय जी को मर गए तो फिर षोड़शी करते हैं, तो हमारा चौथा है। और चौथा के दिन हम यही करते हैं, इस जिद करते हैं, या नहीं तो
कोई एक फंक्शन आ गया या कुछ माहौल अच्छा माहौल तो कुछ ऐसे ही करना है, हम यही बनाते हैं, हम ऐसे ही खाते हैं, ये सब्जी बनानी बनानी है आज, पर सब्जी मिल नहीं रही है, नहीं नहीं आज के दिन ये सब्जी खानी है, अबे सब्जी मिलती नहीं, नहीं नहीं खानी है। आप समझ आ गए आपको, ये आचार के रूप में यार मिल नहीं रही है, नहीं नहीं कोई ऐसे एक कहानी भी है, एक महात्मा जी प्रवचन करते थे, प्रवचन के साथ आश्रम में एक बिल्ली होती थी, तो प्रवचन के समय भी वो बिल्ली भी सत्संग में घूमता था, तो महात्मा जी ने कहा देखो ये प्रवचन के समय में इस बिल्ली को यहाँ पे टांग बांध के रखो, यहाँ पे एक स्तंभ है, कम्भ है, कम्भे है, पिल्लर जो होते हैं सत्संग हॉल में मेरे सामने बांध के रखो इधर। तो महात्मा जी आदेश देते चुप रहो, तो चुप रहते थे बेचारी बिल्ली, बस वहीं पे सत्संग के बाद छोड़ दो घूमने दो, फिर सत्संग के समय बांध के रखो, ठीक है। तो कुछ समय के बाद महात्मा जी मर गया, तो उनका शिष्य कोई बैठा गद्दी पे, तो वो भी ऐसा यही करता था, सत्संग के समय बिल्ली को बांध के रखता था। कुछ समय के बाद बिल्ली मर गई, तो दूसरे बिल्ली को ढूंढ कर लाया, क्यों हमारा ये सांप्रदाय, अरे भैया उसने बिल्ली को क्यों बांध के रखा ये तो जानो, नहीं नहीं महात्मा जी हमारे गुरु ऐसे करते थे, तो अरे बिल्ली को ढूंढ कर फिर रोज सत्संग में बांध के रखते, ये मूर्खता हुई कि नहीं, बस इसी को कहते हैं क्षेत्र में आत्मबुद्धि, ये है हमारा व्यवहार, क्यों ममत्व छोड़ दे नहीं, इसलिए ये मेरे कर्म मेरा भोग ऐसे ही करना है, भाई मिलने तो क्या करें, और क्या शास्त्र के अनुसार क्या बताया गया, ये शास्त्र नहीं है, कुछ कुछ समय में कुछ कुछ आदतें कुछ कुछ प्रांतों में कुछ ये कुछ कुछ चीजें ऐसे आ गया है, तो ये शास्त्र में बताया नहीं, ये तो बस लोग वहां पे लोग प्रांतीय लोग इसको अपनाया कुछ कारण, इसमें कोई महत्व नहीं है, इसका शास्त्र का ये शास्त्र निर्धारित नहीं किया गया कर्म है, ये कोई बात नहीं, इसको छोड़ सकते हैं, ये शास्त्र ने बताया इसको छोड़ नहीं सकते, ये सब विवेक भी नहीं है, विवेक के लिए तो पढ़ना चाहिए शास्त्र हमको, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, मैं जब जब नया नया आया हूं यहाँ पे, कुछ लोग मुझसे पूछे कि पूर्ण कुंभ रोड पर पकड़े, गेट के अंदर पकड़े, गेट के बाहर पकड़े, या हॉल के यहां पर पकड़े, या पीछे पकड़े, कैसे पकड़े, मैं बोला पकड़ना तो पकड़ो, ना तो मत पकड़ो, अब क्या परेशानी है इसका, एवरीथिंग इज सो कॉम्प्लिकेटेड, समझ आ गया बात, जैसे कि आजकल बेटा सीरियल देख के सोना, सीरियल देख के सोना है, ऐसा नियम भी आ जाएगा, आज टीवी देखा कि नहीं बेटा, देखा है तो अच्छी बात है, वेरी गुड, सोचो हाँ जी वो देखिए इसे नियम बना दो, मेरी दादी माँ देखती थी मैं भी देखती हूँ, क्योंकि ये सीरियल इतने काल से चल रहा है, 50 साल से चल रही है सीरियल लगातार, एक ही सीरियल कहानी बंद होती नहीं, दादी तो मर गए देख देख के, सीरियल जारी है, तो फिर खानदान में सब लोग पीछे बैठते हैं ये सब बकवास है सब, तो यदि पुनः क्षेत्रज्ञम अविक्रियम पश्येयुः तथा न भोगम कर्म वा आकांक्षा, न भोग के प्रति आकांक्षा या कर्म के प्रति आकांक्षा, मम स्यादिति विक्रिया एव भोग कर्मणि, क्योंकि भोग और कर्म दोनों विकार ही है, विकार ही है, तो सारे विकार उनसे दूर हो गया,
इसलिए केवल शरीर यात्रा के लिए या न तो कुछ वासनाओं के साथ हमारा जन्म हुआ उन वासनाओं को खर्च करने के लिए जो माहौल अवसर है जरूरी है वो माहौल अपने आप सामने आ जाती है। उसकी सृष्टि भगवान ने करके ही पहले भेजा। किसी को मरना है तो मरने का माहौल अपने आप बन जाता है। एक कहानी भी है, मूर्ति देवता घूम रही है राजा जनक के राज्य में। तो एक दिन रात को जो ये सैनिक लोग जो होते रात को थोड़ा कर रहे हैं, रात को घूम रहे हैं राज्य की रक्षा के लिए, जैसे गुरखा आजकल घूमते हैं ऐसे। तो एक सैनिक ने दौड़ते दौड़ते 3 बजे या 2 बजे रात को आ गया और आकर सबसे तेज भागने वाला जो घोड़ा को लिया उस पर सवार करके कहीं चला गया। पता नहीं चला किसी को भी, सेनापति को भी बताया गया बाद में, फिर ऐसा क्यों आया, ऐसा इस तरह का घोड़ा क्यों लेके गया, कहाँ चला गया, कोई जरूरी काम था, पता नहीं, बताया नहीं किसी को, परेशान में थे। रात को फिर वापस आ गया, नौकरी कर रहे थे राज्य में, घूम रहे थे, फिर वापस आ गया राज्य में, घोड़ा लिया चला गया साहब, किसी से बात नहीं किया। तो सब लोग सोचे कुछ जरूरी काम होता होगा इसलिए चला गया घोड़ा लेकर। फिर अगला दिन स्वयं राजा जनक भी घूमते हैं, राजा घूमने लगे रात को, तो मूर्ति देवता मिली उनको। तो राजा ने पूछा कि मैंने ऐसा सुना, नमस्कार किया मूर्ति देवता, तो बातचीत हो रही थी, तो फिर उस बात में ये भी आ गए कि तुम कल भी देखिया, बोले मुझे, हाँ मैं कल भी दी हूँ, इधर ही घूम रही थी, इधर उधर रात को घूमती हूँ। तो वो उन्होंने कहा कि मैंने सुना कि एक सैनिक रात को जो ड्यूटी पर थे उसको अचानक राज पर लौटा, सबसे तेज भागने वाला जो घोड़ा है उसको पर सवारी करके भाग गया, पता नहीं कहाँ भागा करके। तो वो मूर्ति देवता हंस कर कही, नहीं नहीं नहीं, मुझसे मेरे कर्म में 6 बजे आज सवेरे उस जीव को उस प्रांत से कलट करने वाली थी मृत्यु, और मैं सोच रही थी कि 2 बजे 12 बजे तक इधर ही है ये फिर आज ब्रह्म जो लिखित जो है ये गलत हो जाएगा क्या, सोच रही थी। मेरा दर्शन हुआ, वहां भाग गया, फिर घोड़ा लिया और गया वहीं इंतजार में। मैं गई थी वहां बैठा है, आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई। तो ये कर्म है, वासनाएं हैं, शरीर की यात्रा में जो जो भोग भोगना है कर्म फल से, कर्म वासनाओं के द्वारा के कारण वह अपने आप हो जाता है। आपको यदि मिलना है मिल जाएगा, आप में बुद्धि में परिवर्तन होगी, मन में परिवर्तन होगा, शरीर में परिवर्तन होता है, और कुछ अच्छा अच्छा काम आपसे करवाते हैं, सब वासनाएं करवाता है, करवाने के बाद फिर आपको फल भी मिला देता है, दिला देता है, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए प्रकृति क्रियमाणा ने गुण कर्माण सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये इंजिन है, चल रहा है वासनाओं के कारण। तो ये भोग अविक्रय आत्मा के कारण, ये भोग और कर्म के प्रति इनको आकांक्षा नहीं रखता, ये रखता नहीं, क्यों, ये दोनों विक्रिय है। मैं क्षेत्रज्ञ अविक्रय हूं। अथ एवं सति पलार्थित्वात् अविद्वान प्रवर्तते। तो पलार्थित्वात् अविद्वान प्रवर्तते, अविद्वान अज्ञानी है, अविद्वान है, वही प्रवृत्त होते हैं किसमें, कर्म में। बहुत समझना, ये कर्म माने ये बड़ी, तो ये कर्तव्य कर्म करोगे और बस ठीक है, आपके क्षेत्र में जो करना है उस करने के लिए सारी सामग्री भगवान दे चुके हैं, जुटा के रखा है, और इसके इस क्षेत्र के बाहर कामनाओं के कारण कुछ काम करना चाहते हैं उसके लिए सामग्री जुटाना है, कर्म भी करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। क्यों करते हैं, भोग इच्छा,
ज्ञानी क्या करता है, जो प्रारब्धवशा जो मिलता है वो ठीक है, इससे ज्यादा प्रवृत्त होकर सुख दुख के लिए भोगने के भोग के लिए मैं प्रवृत्त होना, मेहनत करना ये बेकार है, इससे अच्छा अपने आप में स्थित हो जाओ। ये विवेचन, इस ये विवेक करना, विवेक दृष्टि होना आसान नहीं है, पर ज्ञानी ऐसे ही व्यवहार करता है। ठीक है। अथ एवं सति फलार्थित्वात् अविद्वान् फल इच्छा करते हैं, फलेच्छुक इसीलिए प्रवर्तते। गुरुदेव कहते हैं विप्ड बाय पैशंस, विप्ड ये इस रजोगुण के कारण, वासनाओं के कारण आदमी इज पर्सन विप्ड बाय पैशंस, लस्ट, ग्रीड, डिजायर्स, चलो चलो दौड़ो भागो कमाओ भोगो चाओ सा, विप्ड, बीइंग विप्ड बाय पैशंस, यू कांट कीप क्वाइट। सारे इच्छाएं घोड़े बन गए, इंद्रियां, इच्छाएं घोड़े बन गए तो क्या करेगी गाड़ी, क्या करेगी, जाएगी गाड़ी कहां, बस इच्छाओं के प्रति दौड़ 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 दौड़। हाँ, विदुषः पुनः अविक्रयात्मदर्शिनः फलार्थित्व अभावात् प्रवृत्ति अनुपपत्तौ कार्यकरण संघात व्यापार उपरमे निवृत्ति ही उपचर्यते। देखिए पुनः विदुषः विद्वान अविक्रय आत्मदर्शिनः, वो अविक्रय आत्मा का दर्शन किया है करके फलार्थी अभावात्, फलार्थित्व अभावात्, उनको फल के प्रति कोई कांक्षा आकांक्षा नहीं रहने के कारण प्रवृत्ति अनुपपत्तौ, प्रवृत्त असंभव क्योंकि प्रवृत्ति होना असंभव, कार्य कारण संघात व्यापार उपर में प्रवृत्ति नहीं कर, इसलिए कार्य कारण संघात व्यापार से निवृत्त हो गया। और निवृत्ति ही उपचर्यते, ये बड़ी अच्छी बात है, ये निवृत्त हुए, निवृत्त होना वहां पे कुछ कर्म आ गया, क्रिया आ गई, देखिए प्रवृत्त हुए कर्म है, तो निवृत्त हुए माने कुछ मेहनत करके वहां पे भी कुछ क्रिया दिख गई कि नहीं, है ना, प्रवृत्त हुए, हुए माने कुछ मेहनत करके छोड़ने के लिए, और सब मेहनत करके एक 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 करके छोड़ दिया, माने निवृत्त स्वभाव सिद्ध नहीं है, इसलिए यहां पे विवेकी आत्मदर्शी को निवृत्ति ही उपचर्यते, वे औपचारिक रूप से उनको निवृत्त हुए ऐसा कहते हैं, इसको विद्वान के लिए निवृत्ति करके औपचारिक रूप से कहते हैं, वास्तव में वहां पे निवृत्ति करके कोई क्रिया नहीं है। समझ आ गया बात, कोई निवृत्ति क्रिया नहीं है, प्रवृत्त क्रिया है, मैंने बड़ी कष्ट से सोचकर मेहनत करके मैं निवृत्त होते जा रहा हूं, निवृत्त नहीं, जैसे कि मैं नींद में चले जा रहा हूं, नींद में चले जा रहा हूं, नींद में चले जा रहा हूं, ये बड़े मेहनत करके नींद में जाने वाला नहीं, ऐसी बात नहीं, स्वभाव से जैसे दिन भर अच्छा काम किया तो बड़े आसान से निवृत्त हो जाता है, मैंने वहां पे नींद के लिए प्रयत्न करके सोया ये ऐसी बात नहीं, नींद हो गया मैंने औपचारिक रूप से उन्होंने कहते हैं सोने के लिए तैयारी करके सो गए, मैंने सोने के लिए कोई तैयारी नहीं किया, अपने आप नींद में चला गया, जैसे बच्चा निवृत्ति ही निवृत्ति ये निवृत्त हुए ऐसा हम कहते हैं, मगर वहां पर निवृत्त नहीं हुए, माने इसका मतलब निवृत्त नहीं हुए माने निवृत्ति है ही नहीं, क्योंकि सारा प्रवृत्ति खत्म हो गया, जब सारी प्रवृत्ति खत्म ही हो चुकी है तो निवृत्ति करके ये कोई है पे वहां पे क्रिया नहीं है, ये अपने आप में सिद्ध है,
जैसे कि आकाश निर्मल हो गया नहीं, पहले से थी। सारा कीचड़ मूल धूल मट्टी जो जम गया आकाश में, सब फिर पृथ्वी पर आ गए, आकाश निर्मल हो गया। वो हो गया क्या? पहले से था। तो निर्मल हो गया, अभी होना क्या? माने हुआ, माने यहां पर वास्तव में हुआ नहीं। इसी तरह प्रवृत्ति, सारी प्रवृत्ति खत्म हो गई तो निवृत्ति हुई करके औपचारिक रूप से हम कहते हैं, वास्तव में निवृत्ति करके ऐसी कोई चीज नहीं है वहां पे। तो हम कहते हैं निवृत्त हो जाओ, निवृत्त हो जाओ। होना क्या बेवकूफ, निवृत्त होना क्या है? माने प्रयत्न करने से निवृत्त हो जाएगा क्या? जैसे कि कोई कहता है कि थोड़ा मेहनत करके सो जाओ, जब तक मेहनत जा रही तब तक नींद नहीं आई। नींद के लिए मेहनत करो, अरे बेवकूफ, जब तक मेहनत जारी है तब तक नींद नहीं है, नहीं आती नींद। तो सारे मेहनतों को छोड़ दिया, फिर अपने आप नींद में चला गया, इसका मतलब क्या? निवृत्त हो गया? निवृत्त हुआ नहीं। सारे जो बहिर्वृत्ति, मन शांत हो गया, वे अपने आप को नींद की स्थिति में देखा, माने नींद में चला गया। चला गया माने वहां पर कोई क्रिया नहीं है, निवृत्त हुए वहां पर कोई क्रिया नहीं है। इसलिए निवृत्ति ही उपचर्यते, ये उपचार है। वास्तव में कुछ नहीं, वो अपने आप में सिद्ध हो गए। अच्छा, आप खिलौनों से निवृत्त हो गए क्या? आप बड़े लोग निवृत्त होते हैं, निवृत्त हुए किससे? खिलौने से। खिलौने से निवृत्त हुए, खिलौने से निवृत्त होना कोई क्रिया है क्या? नहीं। ये निवृत्त हुए करके ये निवृत्त हुए नहीं आप। खिलौने अपने आप दूर हो गए, अपने आप को आप पहचान लिया, आप ये खिलौने से अतीत है, माने ये सारे खिलौने दूर हो गए, आप उनसे निवृत्त हुए नहीं हुए। भी दूर हो गए तो निवृत्त हुआ करके औपचारिक रूप से बताया जा रहा है, वास्तव में वहां पे आपको कुछ निवृत्त का कोई क्रिया नहीं है। तो निवृत्त होने के लिए क्या आप बड़े स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त किया क्या? एक खिलौना है, आपको उम्र देखो, कंबे जैसे खड़े खड़े बच्चों का तस्वीर दिखाकर, ये बच्चा है इसके लिए खिलौना है, आपकी तस्वीर देखो कितना बड़ा साइज है, पाम ट्री जैसे। ये शिक्षा जरूरी है क्या? नहीं। तो मेहनत कर निवृत्त है? नहीं। जब ज्ञान हुआ ये सब बेकार है तभी निवृत्त हुए, हुए माने होना, वहां कोई कर्म नहीं है। निवृत्त ही उपचर्यते। अथ एवं सति पदार्थित्वात् अविद्वान् प्रवर्तते विदुषः पुनः अविक्रयात्मदर्शनः पदार्थित्वाभावात् प्रवृत्तिः अनुपपत्तौ कार्यकरणसंघात व्यापारो परमे निवृत्ति उपचर्यते। सारा विकल्प प्रवृत्ति नहीं है, इसीलिए कार्यकरणसंघात व्यापार उपराम हो गया, अपने आप दूर हो गया। तो निवृत्ति इति निवृत्ति उपचर्यते। और भगवान डांट रहे, इदम च अन्यत् पांडित्यम कस्यचित् अस्तु क्षेत्रज्ञ ईश्वर एवं क्षेत्रम च अन्यत् क्षेत्रज्ञस्य विषयः अहम् तु संसारी सुखी दुखी च संसार उपरम च मम कर्तव्यः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञानेन ध्यानेन च ईश्वरं क्षेत्रज्ञं साक्षात् कृत्वा तत् स्वरूप अवस्थानेन इति यः च एवं बुध्यते यच बोधयति न असौ क्षेत्रज्ञ इति एवं मन्वानः यः स पंडितापसदः संसारमोक्षयोः शास्त्रस्य च अर्थवत्त्वं करोमि इति। डाट्रे, आत्मः स्वयं मूढः अन्यान् च व्यामोहयति शास्त्र अर्थ संप्रदाय रहितत्वात् शास्त्र अर्थ संप्रदाय रहितत्वात् श्रुतहानिम् अश्रुतकल्पनां च कुर्वन् तस्मात् असंप्रदायवित् सर्वशास्त्रविद् अपि मूर्खवद् एव उपेक्षणीयः। ये सारी के बाद एक पैराग्राफ है, इसको समझाना समय नहीं है, अभी समय नहीं होता। तो यहाँ हम आज का क्या करेंगे?
ठीक है, तो आज यहाँ पे हम इसका करेंगे, फिर अगले महीने 18 तारीख को। तो अभी तक हमने क्या देखा कि विद्वान अविक्रय आत्मा का दर्शन करने के कारण उनमें कोई क्रिया नहीं होती, निवृत्त हुए ऐसा भी कह नहीं सकते, वो निवृत्त हो गया क्योंकि सर्व व्यापार उपरमे निवृत्ति इति उपचर्यते, ठीक है, वे अपने आप में स्थित है, तो निवृत्ति का उपचार वहाँ पे किया जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।